विजयनगर से आए परिवार ने पुलिस महानिदेशक और पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय और सुरक्षा की गुहार। पिछले 3 साल से खुद का घर होते हुए भी समाज द्वारा बहिष्कृत किए जाने से खा रहे हैं दर दर की ठोकरें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपने ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। तारों का खेड़ा विजयनगर से आए प्रार्थी गणों द्वारा पुलिस थाना विजयनगर द्वारा अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के चलते आज पुलिस महानिदेशक और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप कर न्याय की फरियाद लगाई। प्रार्थी अमित नकवाल, पुष्पा देवी, रंजना सांवरलाल व परिवार के तमाम सदस्यों ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपनी पीड़ा का इजहार किया। तारों का खेड़ा विजयनगर निवासी प्रार्थी गण को अपना घर होते हुए भी पिछले 3 साल से दर दर की ठोकरें खाते हुए किराए के मकानों में रहना पड़ रहा है। जब भी वे अपने घर तारों का खेड़ा जाते हैं तो प्रार्थी उनके साथ हथियारों के बल पर मारपीट कर जान से मारने की धमकियां देते हैं। समाज के पंच पटेल द्वारा उनका बहिष्कार कर उनका हुक्का पानी बंद कर उन्हें समाज से बहिष्कृत भी कर दिया गया है। हर 4-5 महीने में पंचायत मीटिंग कर जुर्माना लगा देती है। प्रार्थीगण अभी तक 4 से 5 लाख रुपए पंचायत को भुगतान कर चुके हैं, फिर भी समाज में उन्हें सम्मान नहीं मिल पा रहा। दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर परिवार ने आज पुलिस महानिदेशक और पुलिस अधीक्षक से मिलकर उन्हें सुरक्षा और न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। मैं विजयनगर से आई हूँ और मैं न्याय चाहती हूँ कि मेरा बच्चे से गुना हुआ है और हमारे को न्याय चाहिए और हमारे घरों में नहीं रहने दे रहे। पड़ोसी से हमारे को खतरा है और हम जाते हैं घर पे तो वो लाठी चार्ज करते हैं, हमारे को मारने दौड़ते हैं और मेरा बच्चा जेल है और हम 50 आदमी मारे मारे फर रहे हैं। हमारे को न्याय चाहिए, हमारे को प्रशासन चाहिए, हमारे को घर पे सुरक्षित कर रखिए। हमारे साथ ऐसा हुआ है कि एक छोटी सी बात हुई सर, एक सुअर के ऊपर हुई सर। एक इधर मेरा देवर खिला रहा था और उधर ऊपर से वो ऊपर से नाल रहा था और ऊपर से पत्थरबाजी कर रहा था तो वो नीचे आए तीन ही भाई मेरे घर पे लड़ने आए। मैंने उसको बोला कि आप अपने घर जाइए और गाली गलौज ना दे, और फिर भी वो लोग हमारे से वार्ता बहुत बुरा कर रहा है और पूरा पड़ोसी देख रहा है। हमारे उनके कोई लड़ाई नहीं थी, सिर्फ पड़ोसी तो दूसरे से लड़ाई हो रही थी लेकिन वो बीच में पड़ा। हमारे के लड़ाई तो पहले दूसरे से हुई। आपके बच्चे से मर्डर हुआ नहीं हुआ एक अलग बात है। हाँ, उसको सजा कानून दे रहा। हाँ सर, लेकिन हमारे को हम न्याय चाहते हैं और समाज हमारे को बेघर कर दिया साहब। समाज हमारे साथ नहीं है, वो चाहते हैं कि तुम यहाँ नहीं रहो, हम हमारा घर चाहते हैं सर। और दंड अभी वो चाहते हैं। हम समाज में मीटिंग भी कर चुके हैं, 4-5 मीटिंग होगी सर। दंड भी दे चुके हैं सर, क्या दंड भी दे चुके हैं हम लिए उन्होंने दंड। हम ऐसे हिसाब से मिलने आए हैं, हमारे को समाज से बहिष्कार कर रखा है और हमारी पुलिस थाने में भी सुनवाई नहीं हो रही है। बार बार हम पुलिस थाने में भी लेटर दे चुके हैं, कई बार सूचना देने पर भी हमारा कोई ध्यान नहीं हो रहा है। और 29/9/2018 का मैटर रही है और उसकी दौरान हमको घर से बहिष्कार कर रखा है, घर से निकाल रखा है हमें। हम जाते हैं, हमारे साथ मारपीट होती है और हम बार बार पुलिस में देते हैं, वो आते ही नहीं है। घंटे 2-2 घंटे तक पुलिस नहीं आती है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे को हमारा घर सुरक्षित किया जाए। हमारे समाज के लोग जो हमारे जो मैटर हुआ था, हादसा हुआ था, उसी मैटर में क्या मामला हुआ था, मर्डर का हुआ था। हाँ। तो हमारे भतीजे का हादसा हो गया एक। हाँ। जो अब उसको हादसा बोला या मर्डर बोला, जो वो तो है जेल में और हम बेघर वर्क हैं। हाँ। तो हमारे को हमारा घर संभाला जाए। पंच पटेल क्या कह रहे हैं आपके? पंच पटेल ये के बार बार हमको हम कराते हैं मीटिंग और वो बार बार सुनते नहीं हमारे। हमारे से हम खाना दे देते हैं उनको, कुछ भी करते हैं तो हमारी फिर भी नहीं सुनी जा रही है। तो दंड भी दे रहे हैं आपको? हाँ, दंड जुर्माना तो देना ही होता, जो हम देने के लिए तैयार, फिर भी हमारी सुनाई नहीं हो रही है। 4 से 5 लाख रुपए हमारे इंदौरों में डलाते हैं, किस अकाउंट तक वो करते हैं। कौन से समाज के हो आप? हरिजन समाज के हैं। वाल्मीकि समाज से। तो आपके लड़के से मर्डर हुआ था? नहीं, मेरे बड़े भाई साहब के लड़के से इनके हाथ से हुआ था मर्डर। क्या वो क्या फिर घर पे भी नहीं हुआ था? दूर ले जाके उसके साथ बदतमीजी की, उसके साथ घाता भी की थी, उसी के हाथ से एक हादसा हो गया ये। और उस हादसा हो या बटर को तो उससे हो गया, तो वो तो है जेल में और हम दर दर भटक रहे हैं। परिवार वाले
परिवार से पूरे से परिवार समेत 20-25-30 जने हैं तो वो घर बेदर पर फिर रहे हैं सर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर।